आप देख रहे हैं अपना समाचार। तो मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आते के साथ आपने बम फोड़ा है सबसे पहले सवाल में। तो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा जो भी होगा कमेंट्स में, जो भी करूंगी, वो किसी किसी को ये लेके नहीं करूंगी कि वो मेरे बहुत क्लोज हैं या अक्षरा जी मेरे बहुत क्लोज है या पवन जी मेरे बहुत क्लोज है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने आज तक पवन जी के साथ काम किया, ना मैंने आज तक अक्षरा जी के साथ काम किया। तो मेरे लिए जो मेरे नज़र में वैल्यू पवन जी की है, वही अक्षरा जी की भी है। तो बात अगर करूँ करियर की कि वो उनका करियर ख़त्म करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। नहीं, ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी बीच में हमारी एक एक्ट्रेस ने कमेंट किया था पवन जी को लेके कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं और हमारी फ़ोन पे कन्वर्सेशन होती रहती है। तो मैंने कमेंट्स में देखा लोगों ने ये बोला कि जो अक्षरा जी के सपोर्ट में जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो पवन जी के साथ काम करती है तो ये तो उनके फेवर में ही बोलेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले क्लियर किया कि मेरा किसी के साथ कोई वैसा निजी संबंध नहीं है और मैं जो भी बोलूँगी अपने हिसाब से बोलूंगी। मुझे जो लगता है कि हाँ अगर ये सही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोलूंगी जो भी पक्ष की बात नहीं है। कैसा है पहले ये चीज़ डिसीजन ले लेते पब्लिक। मैंने देखा है कि जब भी किसी का ऐसा बयान आता है तो पहले लोग डिसीजन, अच्छा ये पवन जी को खराब बोल रही तो इसको गाली देना चालू कर दो, अक्षरा जी को खराब बोल रही तो गाली देना चालू कर दो। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी के पक्ष से नहीं बोलूंगी। हाँ मुझे अगर लगता है कि अक्षरा जी गलत है तो मैं बोलूंगी कि वो गलत है, अगर मुझे लगता है पवन जी गलत है तो मैं उनको बोलूंगी। लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं यहाँ पे पवन जी को गलत नहीं बोल सकता। बहुत अच्छे रिलेशन से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम मिलते जुलते रहते हैं बीच में। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता हमारी इंडस्ट्री को हो क्या गया है। पहले एक बार अभी कुछ दिन पहले खेसारी जी का, प्रियंका पंडित जी का ये सब चल रहा था, अभी सडनली वो शांत नहीं हुआ, अभी ये फिर से चालू हो गया। अभी क्या चल रहा है, लोग क्यों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अक्षरा जी ने बोला कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी, उनका बैग उठाती थी और उनको उठाती थी। चलो ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, वो आपका पर्सनल निजी मामला है। पहली चीज़ की तो अपने घर के अंदर जो बातें चल रही हैं आपने एक्सेप्ट किया ऑन मीडिया की, हमारे रिलेशंस भी थे। तो अगर आपके रिलेशंस थे, आपने अपने रिलेशन में क्या किया, उन्होंने आपके लिए क्या किया, वो तो ऑन मीडिया आके नहीं बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया। आप क्यों बोल रही हैं, क्यों किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं आप? अगर तकलीफ़ें हैं, अगर चीज़ें वहाँ पर बिगड़ रही हैं तो आप पर्सनली उनसे जाके मिलिए, उनको फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। घर की चीज़ ऐसे पब्लिकली ये सब करना मेरे हिसाब से गलत। हाँ सहयोग करना चाहिए, और अगर केवल गलती अगर एक साइड से होती तो ज़रूर मैं सहयोग करती। बिना जब तक ये दोनों हाथ नहीं चिपक ना ताली नहीं बजती, गलती दोनों तरफ से होती है। तो मेरी सबसे सबसे बड़ा पॉइंट मेरा यहाँ पे यही है कि जब आप रिलेशन में आई, क्योंकि सॉरी मैं ये बात नहीं बोलना चाहिए, आपने एक्सेप्ट किया ऑन मीडिया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जब रिलेशन में आई तब तो आपने मीडिया वालों से नहीं पूछा कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। जब आपने फिल्में करना स्टार्ट किया तब तो आपने किसी से नहीं पूछा। आज जब चीज़ें बिगड़ रही है या बिगड़ी होंगी तो फिर क्यों आप पब्लिकली क्यों ये सब चीज़ें कर रही हैं, मीडिया के सामने क्यों कर रही हैं? जब उस वक्त सीक्रेट सीक्रेट सब कुछ किया तो अब भी सीक्रेट करो ना, ये चीज़ है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं, अक्षरा जी मेरे से बहुत सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरा उनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। वो उनका अलग जोनर है, मेरा अलग जोनर है। अब मेरा बस इतना कहना है कि हम सब लोग एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, मतलब हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है। परिवार का एक लड़का या एक लड़की अगर गलत करता है तो पूरा परिवार खराब होता है। सबकी नज़र में, पूरे गांव के नज़र में उस परिवार को लोग गलत बोलते हैं। तो ये हमारा परिवार है, अगर कोई एक गलत कर रहा तो सबको उसी नज़र से देखा जाता है। कल को हर जगह वही चीज़ें उठती हैं। अभी आप आए हो, आप ये सवाल पूछ रहे हो, अभी कल को मैं किधर भी शो के ले जाऊँगी वहाँ भी सेम ये सवाल उठेगा। तो आप ये छीछा लेदर प्लीज़ और मीडिया के सामने ये सब छीछा लेदर मत करो। आप केस करो, मुकदमा करो, FIR करो, जो करो, पर पर्सनल लेवल पे करो। ऐसे सबके सामने करना इट्स नॉट गुड। अगर आपका पहले उसके साथ रिलेशन ना रहा हो, आप पहले रिलेशन बनाते हैं, आप पहले सब कुछ, मतलब भोजपुरी में कहा बाकी गुआ में पुआ पकैलू अकेले अकेले, और अब जब सबके सामने आ गया तो दिक्कत होगा था। तो वही चीज़ है कि जब आपने, मैं अक्षरा जी को भी गलत नहीं बोलूंगी, बस उनका जो वे है वो गलत है। आप सब कुछ करिए, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। लेकिन ऐसे छीछा लेदर करके अपनी इज्जत के भी आप वाट लगा रहे हो, उनकी इज्जत की भी वाट लगा रहे हो, ये मत करो। बस मेरा इतना ही। नहीं मैंने तो जहाँ तक सुना है, शोज तो मैंने किए उनके साथ, फिल्में भले नहीं करी लेकिन इंडस्ट्री में हूँ तो जो भी चीज़ें होती है सुनने को मिलता है। मैंने तो सुना जब अक्षरा जी उनके साथ में थी तो उनके शोज भी वही डिसाइड करती थी कि कौन से डेट में पवन जी खाली हैं तो शो करेंगे या नहीं करेंगे। फिल्मों के डेट्स भी अक्षरा जी ही कन्फर्म करती थी कि इस डेट
में करेंगे। इवन फिल्म में फर्स्ट लीड अगर अक्षरा जी है तो सेकंड लीड कौन रहेगा वो भी अक्षरा जी ही डिसाइड करती थी। अच्छा। जहां तक मैंने सुन रखा है, अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि पवन जी ऐसा है? तो ऐसा तो नहीं है, काम तो कर ही रही हैं। पवन जी भी वेब से गाते हैं गाने, वो भी वेब से गाने गा रही हैं। ऐसा तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा, वो भी काम कर रही हैं। अगर पवन जी ने ऐसा अगर कुछ किया है ठीक है, तो आप क्या बोलने पे आप ट्रस्ट करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे धमकी दी है तो आप लोग ट्रस्ट करेंगे? बिकॉज मेरे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने मुझे धमकी दी है, कुछ लाइक कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या ऐसी कोई ऐसा कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि हम ऐसे किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देंगे। देखिए मैंने पहले बोला कि मैं पवन जी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस सही और गलत को सपोर्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे फालतू में किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालिए। वो हमारे इंडस्ट्री के रेपुटेटेड पर्सन है, तो ये चीज़ गलत है, बस इतना ही मेरा।